का संग्राम में अब बात करेंगे। मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, इसमें किन मुद्दों और एजेंडों पर चर्चा होगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद इस सत्र में नए राज्यों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है, जिसमें यूपी में अयोध्या को राज्य बनाने के साथ ही राजस्थान को भी दो राज्यों में बांटे जाने की बात कही जा रही है। तो आखिरकार सरकार की ऐसी प्लानिंग की वजह क्या है, इससे किसको कैसा फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विशेष सत्र में मोदी सरकार का विशेष प्लान, नए राज्यों का आखिर क्या है अरमान, देश में और कितने बन सकते हैं नए स्टेट, विकास की बात या सियासी समीकरण। मोदी सरकार ने अपने फैसलों में कई बार देश को चौंकाया, लेकिन ये बात भी है कि इन फैसलों का असर दूर तक देखकर ही इन्हें लिया गया है। अब जब देश के 5 राज्यों में चुनाव बेहद करीब है, चुनावी माहौल बन चुका है, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है, तो क्या बीजेपी ने उससे पहले एक और बड़ी तैयारी कर ली है, वो तैयारी जो पार्टी के लिए गेम चेंजर बने। कुछ ऐसी ही चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में तेज हो गई है, जब से मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, ये कहानी और गहरी होती जा रही है। G20 के जरिए मोदी सरकार ने देश दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। अब जब विपक्षी एकता को रोज नई धार दी जा रही है, तो मोदी सरकार ने भी तैयारी बड़ी कर ली है, इस बात के बड़े संकेत मिल रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले बनेगा अयोध्या नया राज्य? क्या महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में बनेंगे नए राज्य? आखिर नए राज्यों पर क्या है तैयारी? नए राज्य बनने से किसको नफा, किसको नुकसान? कहानी यह है कि संसद के विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नए राज्य बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देश के राज्यों की स्थिति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों के साथ ही जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के बीच लगातार इस बात की चर्चा है कि क्या मोदी सरकार उत्तर प्रदेश से अयोध्या अलग राज्य बनाने जा रही है। नए राज्यों पर चर्चा यूं ही नहीं हो रही है, इसके मजबूत आधार है। अयोध्या के विकास को लेकर मोदी विकास की गंभीरता पहले ही दिख रही है। खुद पीएम मोदी ने न केवल मंदिर की नींव रखी, बल्कि निर्माण कार्यों पर भी केंद्र सरकार की पैनी नजर रही। ऐसे में जब नए साल में राम मंदिर का उद्घाटन होने की तैयारी है, तो दिव्य और भव्य अयोध्या को दुनिया में हर पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अलग राज्य के तौर पर बनाने की कवायद की जा सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और राजस्थान के विकास के सवाल को सुलझाने और वहां के सियासी समीकरण को 24 के चुनाव से पहले अपने हिसाब से करने के लिए यहां भी नए राज्यों का ऐलान किया जा सकता है। अब आपको इन चर्चाओं की पूरी कहानी समझाते हैं। मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा नया सत्र। संसद के इस खास सत्र का एजेंडा क्या होगा, ये साफ नहीं है। विशेष सत्र पर विपक्ष उठा रहा है कई सवाल। पहले इंडिया का नाम भारत करने की थी चर्चा, अब नए राज्यों के ऐलान की हो रही है बात। विशेष सत्र के मुद्दों को लेकर ये तेजी से चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी सरकार देश के 3 राज्यों के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की। तो राम और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने देश की सियासत में बड़ा उलटफेर किया है। पार्टी के आज के वजूद के पीछे राम नाम की महिमा को हर कोई जानता है। अब बीजेपी इसे दूर तक और लंबे समय तक भुनाना चाहती है, इसीलिए अयोध्या की कहानी को राम मंदिर से आगे बढ़ाते हुए अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के साथ ही अयोध्या को नया राज्य भी बना सकती है। इसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। अयोध्या राज्य की स्थापना से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को दे सकती है धार। आने वाले कई दशकों के लिए हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। अयोध्या के नए राज्य के ऐलान से मोदी के प्रति आकर्षण देश में कई गुना बढ़ सकता है। अयोध्या राज्य की स्थापना का कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाएंगी इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश को राजनीतिक तौर से भी अपने अनुसार ढाला जा सकेगा। योगी के बढ़ते प्रभुत्व का भी और बड़ा असर होगा। अयोध्या का और बेहतर तरीके से विकास हो सकेगा। ये तो बात हो गई अयोध्या की, लेकिन असल कहानी तो मुंबई और राजस्थान को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है इस बात की भी है
कि महाराष्ट्र को भी दो राज्यों में बांटा जा सकता है, जिसमें महाराष्ट्र अलग राज्य और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। राजनीतिक रूप से ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सहयोगी शिंदे गुट के लिए भी भविष्य की राजनीति का सूत्रपात होगा। ठाकरे परिवार और शरद पवार की राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी इस मामले में सोमवार को बयान भी दिया है कि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा मुंबई राज्य को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है। पटोले के अनुसार इस सत्र में मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा और इसे महाराष्ट्र के शेष हिस्सों से अलग कर दिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर जितनी चर्चा उत्तर प्रदेश से अयोध्या और महाराष्ट्र से मुंबई को अलग किए जाने को लेकर है, उतनी ही चर्चा राजस्थान के पूर्व और पश्चिमी राजस्थान बनाए जाने को लेकर भी है। चर्चा इस बात की भी है कि मोदी सरकार के इस कदम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए नए जिले और संभाग भी इस कदम की मदद करते हैं। 7 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान जैसे राज्य में 50 जिले हैं। प्रदेश में करीब 17 साल बाद 19 नए जिले बने हैं। इससे पहले 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे ने प्रतापगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी। यदि राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर एक नया राज्य बना दिया जाए तो पश्चिमी राजस्थान एक अलग राज्य बन जाएगा। इसमें उन जिलों को भी शामिल किया जाएगा जो थार मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। आइए आपको समझाते हैं कि राजस्थान को नए राज्य में बांटने की वजह क्या है। राजस्थान में हाई कोर्ट की 2 शाखाएं हैं। जोधपुर मुख्य पीठ है तो वहीं जयपुर उसकी खंड पीठ है। दोनों ही हाई कोर्ट में जिलों का बंटवारा हुआ है। यही दो राज्यों के लिए एक आधार बनाता है। राज्य के विकास के लिहाज से भी विभाजन की होती रही है मांग। राजनीतिक समीकरण में बंटवारे के बाद आ सकता है बड़ा बदलाव। पिछले 3 दशक में अशोक गहलोत ने देश के कई संस्थाओं को जोधपुर में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। जैसे वे पश्चिमी राजस्थान को नए राज्य बनाने की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। पीएम मोदी और अशोक गहलोत दोनों ही नेताओं के बीच पर्दे के पीछे एक बेहतर तालमेल या दोस्ती को लेकर चर्चाएं होती रहती है। कहा जा रहा है कि इन संभावनाओं को तलाशने के लिए हाल ही में राजस्थान के एक पूर्व महाराजा को भी दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। ये यात्रा बेहद गुप्त रखी गई थी। राजनीतिक रूप से भी राजस्थान का पूर्व और पश्चिमी भागों में करना न केवल वर्तमान बीजेपी के लिए बेहद संभावनाएं पैदा करता है, बल्कि राजस्थान की कांग्रेस के 2 गुटों में भी गहलोत गुट का वर्चस्व बढ़ा देता है। बहरहाल संसद के इस विशेष सत्र में मात्र 4 दिन का समय रह गया है। ऐसे में इस विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर कई नई चर्चाएं भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।